हेलो फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं मैकेनिक्स का अपना छठवां लेक्चर। ठीक है ना, तो छठा लेक्चर हमारा है भैया बेसिक्स ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। देखिए, मैंने आपको सर्कुलर मोशन बता दिया पहले ही, उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है ना, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा पहले आप उसको देखिए, फिर आप इसको देखिए तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। ठीक है ना, और ये सोच रहे होंगे यही टॉपिक क्यों लिया, क्योंकि भैया इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं TIFR जेस्ट वगैरह में, तो इसको मैंने सोचा इंडिविजुअली आपको पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए ठीक है, क्या कह रहा है कि बेसिक्स ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, यही है मेरा आज पूरे लेक्चर का टॉपिक यही होगा। चलिए ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो पहला कहता है कि मान लो वर्टिकल सर्कल जान रहे हो ना, हॉरिजॉन्टल इस पे वर्टिकल ऐसे, मीन्स ऐसा ऐसा कोई सर्कुलर मोशन हमारा हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपने धागे में एक कंकड़ बांधा और आप उसको इसे घुमा रहे हो। ठीक है ना, तो जैसे सर्कल पूरा करने के लिए आप जब शुरू करोगे, नीचे से आपने यहाँ से शुरू किया ऐसे घुमाना, तो यहाँ पे आप कुछ वेलोसिटी देते हो। ठीक है ना, जैसे मान लो ऐसे पकड़ा, मैं यहाँ से कुछ वेलोसिटी दूंगा तभी ये घूमेगा, और यहाँ पे कुछ मिनिमम वेलोसिटी होगी तभी वो वापस आएगा, नहीं तो यहाँ से ऐसे नीचे चला आता है। सिकुड़ जाता है ना, ऐसे कोई धागा लिया आपने, यहाँ से कुछ वेलोसिटी दी, ऊपर से कुछ वेलोसिटी दी, तभी तो पूरा घूमेगा ना, कि मिनिमम वेलोसिटी कुछ यहाँ पे होगी कुछ यहाँ होगी, तभी वो पूरा सर्कल पूरा करेगा, वरना पूरा नहीं कर पाएगा। तो चलिए आइए डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं दोनों केसेस डिस्कस करूँगा। देखो, ये सर्कल है, वर्टिकल सर्कल है, वर्टिकल आप तो समझ ही रहे हैं, ऐसा ही है सर्कल, और एक इक्विवेलेंट फिगर मैं और बना रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे एक बॉडी है मास एम की, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी V1 है। ठीक, यहाँ पे वेलोसिटी V1 और ये इसके अंदर है, सर्कल के अंदर। ठीक है ना, इस पर एन लग रहा है, N1 इसको मान लेता हूँ। ये गया, यहाँ पहुँचा, ठीक है ना, M यहाँ, MG इधर लगेगा, MG यहाँ भी लग रहा है, और N इसी डायरेक्शन में लगेगा, इसको N2 मान ले रहा हूँ, और वेलोसिटी यहाँ पे V2 है। ठीक है ना, क्योंकि मैं बताया ना कि यहाँ पे वेलोसिटी अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी। ठीक, और वही सेम केस, ये पहला केस है इक्विवेलेंट डीसी का केस जो मैंने बताया, टेंशन का स्ट्रिंग आपने बांधी है, ये स्ट्रिंग आपकी, ठीक है ना, यहाँ पे आपका मास है, कोई मास इसको M कह रहा हूँ, यहाँ पे MG, ऊपर टेंशन लगेगा T, इस पॉइंट से अगर देखेंगे टेंशन T नीचे। ठीक है ना, सेम यहाँ का केस, मास अगर यहाँ आ गया, ठीक है ना, मास अगर ऊपर चला गया तो एक टेंशन ये इधर, और उस पर ऊपर वाले पॉइंट पे इधर, इधर MG भी लग जाएगा और इधर T2 भी लग जाएगा। ठीक है ना, T2 इधर। अब आप सोच रहे होंगे दो डायरेक्शन क्यों लिखा हूँ। ठीक है, देखिए, इस मास पे टेंशन ऊपर की तरफ, और इस पॉइंट पे टेंशन नीचे की तरफ। अगर मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं तो आप पे टेंशन नीचे की तरफ लगेगा, और इस पॉइंट पे टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, इस मास पे टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे आप देखें, इसको मैं मान रहा हूँ ये V1 है, और इसको मैं मान रहा हूँ V2 है। समझ पा रहे हैं ना, सेम वही सिमिलर केस है, यहाँ पे टेंशन है, वहाँ नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये वेलोसिटी मुझे बता दो कि मेरा सर्कल कंप्लीट हो जाए। ठीक, तो आइए ये वाला केस कंसीडर करते हैं। आइए देखिए, तो वहाँ से अगर मैं रेडियल इक्वेशन लिखूँ, FR=MAR, क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहा है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो FR=MAR कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ से लिखिए, तो देखिए T2 और MG एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब T2 प्लस MG दिस इक्वल्स टू MV2 स्क्वायर बाई R, ये डिस्टेंस मैं R मान रहा हूँ, मतलब लेंथ उसकी। ठीक है ना, सर्कल है, इसको भी लिख देता हूँ, ये R है। ठीक, अब यहाँ से अगर देखा जाए तो मैं लिख सकता हूँ V2 इक्वल्स टू इसको इधर ले आए, R/MT2+MG, और इसका रूट ये लिख सकता हूँ, V2 ये आ गया हमारा। ठीक है ना, अब देखिए मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी का मतलब कि जब हमारे यहाँ पे टेंशन जीरो हो जाए, टेंशन अगर यहाँ जीरो हो गया मतलब कि बॉडी मेरी नीचे गिर जाएगी, तो मिनिमम वेलोसिटी उतनी होनी चाहिए कि टेंशन हमारा लगभग जीरो, मतलब टेंशन इससे थोड़ा से भी हुआ कंप्लीट, कोई समस्या नहीं है। लेकिन कितनी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए उसके लिए टेंशन में जीरो कर देता हूँ, मतलब मिनिमम इतनी वेलोसिटी मुझे चाहिए। ठीक ना, तो मिनिमम वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा जीरो, तो मीन्स यहाँ पे V2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 R, मीन्स इस पॉइंट में मिनिमम इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए।
टेंशन बढ़ा दिए, वेलोसिटी तो बढ़ जाएगी ना, यहाँ देखो टेंशन बढ़ा वेलोसिटी बढ़ी तब तो कंप्लीट करेगा, लेकिन मिनिमम कितनी वेलोसिटी चाहिए, इतनी चाहिए, ठीक है ना। लिमिटिंग केस हमारा हमें मिल गया कि वी टू हमारा इतना होना चाहिए, ठीक। अब हमें मिल गया कि हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, इसको मैं मिनिमम भी लिख सकता हूँ कि हाईएस्ट पॉइंट पे सर्कल कंप्लीट करने के लिए जो पार्टिकल है उसकी हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी। अब यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पे कितनी होनी चाहिए, लोएस्ट पॉइंट पे निकालने के लिए आपको एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ, इसको मैं अभी एंड में वीडियो एंड में डेराइव भी कराऊंगा। देखिए इसकी फार्मूला है कि अगर मान लो कि मेरे वर्टिकल सर्कल में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी यहाँ पे है v और यहाँ पे है u, ठीक है ना, और ये मैं सेंटर है, यहाँ से ये वाली जो हाइट है, ये हाइट है h, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, ये हमें फार्मूला मिला है, ठीक है ना। ये फार्मूला मैं अभी डेराइव भी कराऊंगा आखिरी में, दो चीज़ों से डेराइव हो सकता है, पहला टेंजेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, ठीक है ना, टेंजेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन, दूसरा लगा दो एनर्जी कंजर्वेशन, तो ये दो चीज़ों से मिलेगा। मैं आपको जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है टेंजेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन से उस पर बताऊँगा, एनर्जी कंजर्वेशन से आप खुद निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये फार्मूला हमें पता है, मैं इसको डेराइव करा दूंगा, आप चिंता ना करें, ये फार्मूला ऐसा एज इट इज़ यूज़ करेंगे। अगर यहाँ वी है, यहाँ यू है और एच हाइट दोनों के बीच में है, ठीक है ना, यहाँ से परपेंडिकुलर मतलब मिनिमम हाइट, ठीक, ये नहीं ये वाली हाइट एच है, तो ये वाला फार्मूला आपको यूज करना है। सेम यहाँ भी लगा दीजिए, देखिए मिनिमम हमें पता है, ये हमें पता है, ये हमें चाहिए, यूज कर सकते हैं, आइए करें, देखिए तो यूज मैं करूँगा तो लिखूँगा वी वन स्क्वायर इक्व टू वी टू स्क्वायर प्लस टू जी एच, ठीक है ना। एच क्या है, एच पूरी डिस्टेंस है, ये कितनी है 2r डायमीटर के बराबर, यहाँ और v2 में पता है v2 स्क्वायर, तो v1 मिनिमम इक्वल्स टू अंडर रूट v2 स्क्वायर मतलब rg प्लस 2gr मतलब 4gr, तो यहाँ पे हो गया रूट 5gr, ठीक है ना, मतलब मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पे रूट 5gr होनी चाहिए, तब हमारा पार्टिकल पूरा सर्कल कंप्लीट करने का, ऊपर वाले पॉइंट पे रूट जी आर, नीचे वाले पॉइंट पे रूट 5gr, अगर ये वाली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई, इससे कम आपने वेलोसिटी दी, वो पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। मतलब यहाँ पे अगर आप मान लीजिए रूट 4gr दे रहे हैं वेलोसिटी, ठीक है ना, तो जाएगा कहीं से फिर वहाँ से वह तो वापस आ जाएगा, वहीं से मतलब स्टैगन हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा फार्मूला मिनिमम वेलोसिटी का, अगर मिनिमम वेलोसिटी मान ये लोएस्ट पॉइंट पे और ये हमारी हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक, समझ पा रहे हैं, ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि मिनिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी में मिल गई, अब देख लेते हैं कि टेंशन का डिफरेंस कितना होगा, T1 और T2 का डिफरेंस कितना होगा, ठीक है ना। अगर हमारा पार्टिकल वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो T1 और T2 के बीच का डिफरेंस क्या होगा, ये भी देख सकते हैं, ठीक है ना। सिर्फ रेडियल इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सर्कुलर मोशन का, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको देखें, फिर उसके बाद इसको देखें, तब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। तो ये लिखते हैं रेडियल इक्वेशन ऑफ मोशन, इसके लिए उसके लिए, आइए लिख देते हैं। पहले इस वाले मास के लिए मतलब यहाँ इस पोजिशन पर जब है, तो यहाँ पर जब पोजिशन पर है तो क्या लिखूँगा, T1 ऊपर की तरफ है और माइनस mg इक्वल्स टू mv1 स्क्वायर बाई r, पहला रेडियल इक्वेशन लिख दिया मैंने यहाँ के लिए, देखिए टी ऊपर लग रहा है ना इस पॉइंट पे, मैंने बताया आपको इस मास पे टी ऊपर की तरफ, इस पॉइंट पे टी नीचे की तरफ, ठीक है ना, और mg नीचे लग जाएगा, ठीक। और यहाँ से अगर आप देखें तो सिमिलर, अगर यहाँ मैं लिखना चाहूँ तो T2 प्लस mg इक्वल्स टू mv2 स्क्वायर बाई r, ठीक। तो मिनिमम टेंशन कितना होगा, मिनिमम टेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, v1 और v2 को मिनिमम वैल्यू रखेंगे, ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को अगर जोड़ दूँ तो T1 और T2 निकल जाएगा, अगर मैं इनको घटा दूँ मतलब माइनस कर दूँ तब क्या होगा, देखिए यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो T1 माइनस mg इक्वल्स टू m/r v1 स्क्वायर, मतलब v1 स्क्वायर ये मीन्स 5gr,
ठीक है भैया, वही आया था ना यहाँ की मिनिमम वेलोसिटी, क्योंकि हमने मिनिमम टेंशन डिफरेंस निकालना है, कितना मिनिमम टेंशन डिफरेंस हो सकता है। और टी टू प्लस एम जी इक्वल्स टू एम बाई आर, और ये आर जी, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से आ गया टी वन, अगर मैं इसको सब्सट्रैक्ट कर दूँ, मीन्स टी वन माइनस टी टू, टी वन माइनस में से मैंने टी टू सब्सट्रैक्ट किया, तो फिर यहाँ से देखिए टी वन माइनस टी टू, मतलब पहले में से दूसरा मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, यहाँ माइनस किया टी वन माइनस टी टू माइनस टू एम जी, ठीक है ना, माइनस यहाँ आ जाएगा माइनस टू एम जी, दिस इक्वल्स टू फोर एम जी, समझ पा रहे हैं, माइनस कर दिया। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ टी वन माइनस टी टू इक्वल्स टू सिक्स एम जी, ठीक। तो यहाँ से हमें मिल गया दोनों जो टेंशन हमारे लग रहे हैं दोनों पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट पे है तो टेंशन टी वन है, इस पॉइंट पे टी टू, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सिक्स एम जी है, ठीक है, मिनिमम इतना टेंशन डिफरेंस होगा, ठीक है ना, अगर हमारा कोई पार्टिकल कंप्लीट सर्कल कर रहा है, ठीक है ना, वर्टिकल में अगर पूरा कंप्लीट सर्कल बना रहा है तो हमारे टेंशन का डिफरेंस ये हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, जैसे मैंने कहा आपसे, जैसे मैंने कहा कि अगर मिनिमम वेलोसिटी नीचे वाले पॉइंट पे, लोएस्ट पॉइंट पे जो मिनिमम वेलोसिटी है रूट फाइव आर जी है, ठीक, अगर मैं उसके कम दूंगा तो क्या होगा, पूरा कंप्लीट सर्कल नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ ऊपर जाके फिर वहाँ से वो सिकुड़ जाएगा, ऐसा ही होगा भैया, ठीक है ना। तो मिनिमम वेलोसिटी मैंने नहीं दी, मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं देखना चाहता हूँ कि कितना ऊपर तक हो जाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन कि कोई मेरा अगर बॉब है यहाँ से लटका हुआ है, देखिएगा यहाँ से अगर कोई बॉब लटका हुआ है और मैं वेलोसिटी रूट फाइव जी आर ना देके कितना दे रहा हूँ, रूट फोर जी आर, ठीक है। अब क्या होगा, पूरा वर्टिकल पूरा कंप्लीट सर्कल तो करेगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट पे रूट फाइव जी आर हमें चाहिए, ठीक है ना, अगर लोएस्ट पॉइंट पे रूट फाइव जी आर है तो हाईएस्ट पॉइंट पे रूट जी आर हमें मिल जाएगा, हमें कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ से हमने दिया रूट फाइव जी आर, अभी क्या होगा, यहाँ से बॉब ऐसे जाएगा, ठीक है, कहीं जाके वहाँ से सिकुड़ जाएगा, मतलब कि ग्रेविटी फोर्स के कारण, मतलब ये जो ये हमारा वायर है या कह सकते हैं आपके पास कोई डोरी है, वो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, स्टैकन हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से हमने 4GR दिया तो क्या हुआ, ऐसे 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 इसका कुछ ऐसा पाथ होगा और यहाँ जाके, ठीक है ना, यहाँ जाके ये डोरी क्या हो जाएगी, लूज पड़ जाएगी, ठीक। तो यहाँ हमारा ये बॉब आ गया, इसको हम कह रहे हैं बॉब, ठीक है ना, जैसे पेंडुलम में होता है नीचे, उसको कहते हैं बॉब। अब क्या कह रहा है, आप बता दीजिए कि कितना एंगल होगा, ये थीटा एंगल मुझे बता दीजिए कि कहाँ पर जाके ये बॉब स्टैकन हो जाएगा, पहला पहला ये है कि थीटा आप निकाल दें, दूसरा है कि कितनी हाइट होगी यहाँ से, ये वर्टिकल हाइट बता दो मुझे, ठीक है, दो क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। पहला कह रहा है कि आप मुझे थीटा बता दें कि कितना थीटा एंगल बनाएगा इस हॉरिजेंटल से ये स्टैकन होने के लिए, क्योंकि ये हमें पता है 90 डिग्री है, तो यही थीटा हमें चाहिए, ठीक, ये मुझे थीटा बता दो और ये मुझे हाइट बता दो, इसका जो लेंथ है वो दिया है आर, ठीक, और हमसे थीटा और एच पूछ रहा है। अब बताइए कैसे इसको प्रोसीड करेंगे। देखिए, इसको प्रोसीड करने का बहुत सिंपल एकदम तरीका, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इधर जी लगेगा, सॉरी एम जी, बॉब है इसका मास एम दिया हुआ है, ठीक है ना, एम जी इधर लगा, ये कितना हो गया, ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा भैया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वेलोसिटी इधर होगी, मैं सिकुड़ने से एकदम पहले की बात डिस्कस कर रहा हूँ, देखिएगा सिकुड़ने से एकदम पहले की सिचुएशन में डिस्कस कर रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ, इधर है इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, आप इतना समझ रहे हैं, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी भी है, ठीक, इधर भी वेलोसिटी हो गई, यहाँ पे रूट फाइव जी आर हो गया, ये हमने फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना दिया, यहाँ पे हुआ ये बॉब हमारा, ठीक है ना, सिक्योरनेस से जस्ट पहले वाली कंडीशन हम लिख चुके हैं। अब देखिए क्या करना है, हमें थीटा निकालना है और एच निकालना है। अब हम क्या करते हैं, देखिए अगर ये आर है तो ये क्या होगा, ये भी आर होगा, तो ये वाली हाइट क्या होगी, ये वाली हाइट, आइए बना के देख लेते हैं, ऐसा कुछ है फिगर, ठीक है ना, ये हो गया थीटा, थीटा के सामने वाला हमें निकालना है, और ये हमें दे दिया गया आर, और ये हमें 90 डिग्री पता है। अब बताइए क्या लगाएंगे, साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू
साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस पी बाई एच, ठीक है ना। पी परपेंडिकुलर कितना है? हमें निकालना हुई तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है आर, मीन्स हमें हाइपोटेन्यूस कितना मिल गया आर साइन थीटा। कोई समस्या नहीं, नहीं चाहिए, ये है हमारा हाइपोटेन्यूस, इसको क्वेश्चन मार्क से दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हमें मिल गया, ये हमें मिल गया परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेन्यूस हमें पता है आर है, और ये हमें परपेंडिकुलर यहाँ से डिस्टेंस मिल गया। अब हम क्या करते हैं देखिएगा, पहली बात तो अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन हम यूज कर रहे हैं तो हमें, हमारे पास दो ही चीज़ें हैं। पहला वो जो हम मैंने आपको वेलोसिटी का रिलेशन बताया था, वी वन स्क्वायर इक्वल टू वी टी स्क्वायर प्लस टू जी एच, पहला वो है। और दूसरा क्या है हमारे पास, रेडियल इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही दोनों आपको लगा देना। चलिए पहले रेडियल इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। फोर्स इधर एम जी की, एम जी का कंपोनेंट मीन्स एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू एम जी, ये इधर जाएगा तो एम जी कॉस 90 माइनस थीटा मीन्स साइन थीटा, एम जी साइन थीटा हो गया, ठीक है ना। यहाँ से ये एम से एम कैंसिल और यहाँ से आ गया वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी साइन थीटा। कोई समस्या, ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, मान सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन आइए देखिए, लिख देते हैं इसी प्रकार से कैसा। अब देखिए पहला हमने रेडियल इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिया, हमारे पास दूसरा, दूसरा क्या है वेलोसिटी का जो रिलेशन है, तो उसमें था वी वन इक्वल वी टू स्क्वायर इक्वल टू वी वन स्क्वायर प्लस टू जी एच। तो यहाँ पे देखिए लोअर पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो पहले लिखी जाती है, मीन्स रूट फोर जी आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस टू जी एच। एच क्या है? ये वाली हाइट देख लीजिए, एच क्या है? ये वाली पूरी हाइट, समझ पा रहे हैं ना। तो एच की जगह हम क्या लिख देंगे, ये पूरी हाइट, पूरी हाइट कितनी है आर, और ये कितना है आर साइन थीटा। मीन्स यहाँ से हो जाएगा आपका रूट फोर जी आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस टू जी, और एच क्या है आपका, एच आर प्लस आर साइन थीटा, मीन्स आर प्लस आर साइन थीटा, समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। और ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए आप यहाँ पे देखिएगा, अगर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ पे वी स्क्वायर, यहाँ पे वी स्क्वायर, दो इक्वेशन है आपके पास, आपको निकालना क्या है थीटा, थीटा निकालना है आपको। तो यहाँ से आप देखिए कंपेयर करेंगे, वी स्क्वायर हटा देंगे, थीटा की टर्म में आ जाएगा और आप थीटा कैलकुलेट कर लेंगे, और जैसे ही आपको थीटा मिल जाता है आपको क्या मिल जाएगा, एच मिल जाएगा। एच इक्वल्स टू क्या है, एच है भैया आर प्लस आर वन प्लस साइन थीटा, ठीक है ना। तो जैसे आपको थीटा मिलता है आप यहाँ पुट करेंगे और आपको एच की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक, समझ पा रहे हैं। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, आपको ये निकालना था, आपको देखने में कठिन लग रहा था लेकिन था बहुत सरल। ऐसे ही है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, चलिए ठीक है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन उठाता हूँ मैं, ये शायद टी एफ आर में भी आया था। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि मेरा एक स्फीयर है, ठीक है ना। ये देखिए ये जो फार्मूला हम यूज करते हैं ना, इसको मैं बता देता हूँ, ये होती है नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी, मीन्स लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी, और ये उसके ऊपर वाली अपर, ठीक है ना। इसको इतना ध्यान रखिएगा ये फार्मूला यूज करते समय, और मैं भी बताऊंगा डेराइव कैसे होता है। चलिए ठीक, ये मेरा कोई स्फीयर है, यहाँ पे मेरा कोई मास रखा है एम, ठीक है ना। वेलोसिटी शुरू में इसकी थी जीरो, ठीक है ना। अब क्या किया हमने, इसे यहाँ से ऐसे टक करके मारा, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ये इधर आएगा इसे, और एक एक सिचुएशन आएगी इसको छोड़ देगा, क्योंकि ये रिस्ट पे, ये क्या होगा यहाँ पे आके ये बाहर निकल जाएगा ऐसे, ठीक है ना, अपना प्रोजेक्टाइल मोशन बनाते हुए किधर भी निकल जाएगा। चलिए ठीक, ये वाला जो रेडियस है इसको कह रहे हैं मार, इस वाले एंगल पे कह रहे हैं थीटा, ठीक है ना। तो पूछ रहे हैं किस एंगल थीटा पे, थीटा मुझे बता दो कि जब ये मास इसको छोड़ देगा, मतलब इस स्फीयर के सरफेस को छोड़ देगा, ठीक है ना। तो इस स्फीयर के सरफेस को छोड़ने का मतलब हुआ यहाँ मास एम है, ठीक, यहाँ पे एम जी लग रहा है, ऊपर हमारा एन लग रहा है, इसको एन वन मान सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा एम जी लगेगा, ये हमारा कितना हो गया थीटा हो गया, स्फीयर के ऊपर रखा है तो मतलब कि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, इसको मैं मान रहा हूँ एन टू। प्रॉब्लम समझ में आ गई, थीटा में निकालना था, ये मैंने अपने आप कंस्ट्रक्शन किया, सॉरी मीन्स इसके ऊपर हमने सिर्फ फोर्स दिखाए कि फोर्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे लग रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से है, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी भी हो गई इसकी, मैं भी मान रहा हूँ,
ठीक है ना, इतना आप समझ रहे हैं, ये आर हो गया। अब देखिए मैं फिर से वही सेम क्या करना है आपको, रेडियल इक्वेशन ऑफ मोशन एफ आर इक्वल टू एम ए आर, एफ आर इक्वल टू एम ए आर हमने जब यूज किया तो यहाँ से देखिए ए एम जी है, इधर क्या हुआ एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ये कर सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ कैंसिल हुआ और यहाँ से आपको मिल गया वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी कॉस थीटा, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सिंपल इसी की तरह प्रोसीड करना है वहाँ भी, यहाँ किया, अब क्या करना है फिर वही जो मैंने फॉर्मूला बताया वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी वी, ऊपर वाले की जीरो प्लस टू जी और एच, एच क्या है, एच जल्दी जल्दी बता दो मुझे भैया, एच मतलब ये वाली हाइट, ठीक है ना। अब बताओ अगर ये आर है तो ये क्या होगा, ये वाली हाइट क्या होगी, चलिए ये बना के देखते हैं, अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये ऐसा कुछ है, ये आर है, ये 90 डिग्री है और थीटा आपका ये है, ऐसा ही है ना कुछ, ठीक है ना, और ये वाली हाइट हमें पता करनी है थीटा के, हाँ ठीक है ये वाली हाइट हमें पता करनी है। अब बताओ फार्मूला लगाओ जल्दी से, ये क्या है, ये बेस है मीन्स कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्स, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्स लगा दिया यहाँ से और आपको एच मिल गया, एच इक्वल टू क्या हो गया, एच इक्वल टू सॉरी ये एच नहीं है, इसको मैं मान रहा हूँ एच वन, एच वन मान लो, तो एच वन हमें मिल गया आर कॉस थीटा। आप अगर मुझे एच चाहिए तो एच मैं कैसे निकालूंगा, एच इक्वल टू आर माइनस आर कॉस थीटा, सिंपल, कोई समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, यहाँ एच की वैल्यू पुट करिए, मीन्स टू जी आर वन माइनस कॉस थीटा, सिंपल समझ में आया, वी स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच सीधा लगाए, यू यहाँ पे जीरो था, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी, ये ऊपर वाले पॉइंट की, नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी वी है, ऊपर वाले की जीरो है, सिंपल ये वाला फार्मूला लगाया और ये हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे भी सेम इसी की तरह हमें क्या मिला है, वी स्क्वायर मिल गया, हाइट भी हम निकाल सकते हैं, उसमें शायद हाइट पूछा था कि कितने हाइट पे ऊपर से कितनी हाइट होगी जब ये छोड़ देगा इस स्फीयर को, ठीक है ना। यहाँ से देखिए वी स्क्वायर यहाँ दोनों को इक्वेट करिए, थीटा निकाल दीजिए, और थीटा अगर निकल गया तो आप क्या निकाल सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। छोड़ना नहीं है, मैंने आपसे पहले बताया जो चीज़ें मैं यहाँ देता हूँ उसको आप खुद करिए, ये नहीं कि हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बताया कि मैंने भी यही गलती की थी तभी मेरा सेट टी एफ आर में सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक। जो चीज़ें मिलती थी उसको मतलब अभी तो देखने में इजी लग रहा है, ठीक है ना, उस समय कैलकुलेशन भी नहीं होती, मैं आपसे बता रहा हूँ, एक प्रेशर कहीं ना कहीं कुछ ना कहीं बना रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो चीज़ें मैं यहाँ दे रहा हूँ आपको इसको तो ज़रूर करिए, और जितने भी क्वेश्चन आप लगा सकिए इन टॉपिक्स के ऊपर आप लगाइए, ठीक है ना। इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको क्लिपनर वगैरह में मिल जाएंगे, उसमें देखिए कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, और एच सी वर्मा में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इस पर, ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे। तो ये देखिए ये दो क्वेश्चन हमने डील कर दिया, वर्टिकल सर्कुलर मोशन आपको विजुलाइज होना शुरू हो गया होगा। चलिए ठीक, तो आपको बताता हूँ लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का, जो क्वेश्चन मैंने बताए समझ में आ गए, कोई समस्या नहीं, जहाँ पे कैलकुलेशन मैंने छोड़ दिए उसको आप करेंगे, नहीं आ रहा है आप कमेंट में छोड़िए। अगर यार दो इक्वेशन आपको दी गई है, आप थीटा और मतलब मीन्स दो इक्वेशन दो अननोन, अब तो निकाल लो, ठीक है ना। तो चलिए ठीक, हमने फार्मूला लिखा था वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, मैंने कहा ये दो तरीक़ों से डेराइव हो सकता है, पहला टेंजेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन, टेंजेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन से डेराइव होगा, दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन से, एनर्जी कंजर्वेशन अभी पढ़ा है ना, अभी आगे पढ़ाऊंगा। तो टेंजेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि टेंजेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ा है, ठीक, क्योंकि सर्कुलर मोशन मैंने बताया उसमें बताया आपको टेंडेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। एनर्जी कंजर्वेशन नहीं पढ़ाया, ये मैं पढ़ा दूंगा तब आप इसको डेराइव करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन से, मैं इससे नहीं कराऊंगा। चलिए ये देखते हैं,
देखिए ये है मेरा वर्टिकल सर्कल, ठीक है ना। ऐसा है कुछ केस, यहाँ मेरी वेलोसिटी है v, ये वेलोसिटी मैं मान रहा हूँ u, ठीक है ना। अब देखो ये मैं इसको कर सकता हूँ, ये r, यहाँ से ये एंगल मैं मान रहा हूँ अल्फा, ठीक है ना। मींस u और v के बीच में अल्फा एंगल का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 90 माइनस अल्फा, इतना समझ पा रहे हो, ठीक ना। अब मैं ये वाली हाइट निकाल सकता हूँ, ये कितनी हाइट है, हाइट बताओ कितनी। अगर मैं हाइट निकालना चाहूँ तो ये है r। अब देखो ये इस वाली हाइट के लिए ये हो गया 90 डिग्री, ठीक। अगर ये 90 डिग्री हो गया, 90 माइनस अल्फा हुआ, तो ये कितना है, ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा हुआ, तो ये कितना है, 90 माइनस 90 माइनस अल्फा मीन्स ये भी हो गया, ये पाई माइनस अल्फा हो गया, ठीक है ना। तो सॉरी ये पाई, हाँ पाई माइनस अल्फा। तो यहाँ से मैं इसको बना सकता हूँ ऐसा कुछ फिगर, ये जो ये वाला फिगर है यही बना रहा हूँ, समझ पा रहे हो ना। इसको हटा देता हूँ, ये आ रहा है, इतना आप समझ रहे हैं, तो यार ये पाई माइनस अल्फा है। अब इसको मैं ये बना सकता हूँ, देखो ये है आपका r, ये 90 डिग्री हो गया, और पाई माइनस अल्फा, क्योंकि पाई माइनस अल्फा, ठीक है ना। और ये वाली हाइट जो है ये हमें निकालनी है, समझ पा रहे हो, इसको यहाँ बना दिया, चलिए ठीक। अब आइए देख लेते हैं कि हाइट कैसे निकलेगी। फिर वही कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस एच इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, थीटा क्या है, पाई माइनस अल्फा, तो यहाँ पे आर माइनस आर कॉस थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो टोटल हाइट अगर मैं निकालना चाहूँ, टोटल हाइट, इसको मैं एच डैश कह रहा हूँ, तो टोटल हाइट एच डैश इक्वल्स टू आर माइनस आर कॉस थीटा, या इसको मैं लिख सकता हूँ एच डैश बाई आर, सॉरी यार ये एच डैश अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ एच डैश कर दो, इसको एच करूँ, तो एच डैश एच इक्वल्स टू आर एच बाई आर वन माइनस कॉस थीटा, ये समझ में आया, वन माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, सॉरी वन माइनस कॉस अल्फा, ये थीटा नहीं अल्फा है, सॉरी ये अल्फा, वन माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई एच बाई आर, इतना समझ पाए, ये कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, कैसे हमारा एंगल निकला, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, वो समझ में आ गया। इसको एच डैश कह रहा हूँ, ये भी एच डैश ही है, कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना, क्योंकि फार्मूले में एच आएगा तो फिर एच डैश अगर आ गया तो फिर दिक्कत होगी, तो ये मैं एच मान रहा हूँ दोनों पे हाइट, ये हमारा एच वाई आर की वैल्यू निकल गई। अब देखिए अब हमारी जो कंडीशन कह रही है वो देखिए क्या क्या हो रहा है, U से V हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है, थीटा हमारा चेंज हो रहा है कहाँ से, जीरो टू अल्फा, ठीक है ना। तो अगर मैं पहले क्या करूँगा, पहले मैं एक सर्कल कंसीडर करूँगा, ठीक है, सर्कल कंसीडर कर लिया, यहाँ पे मैं मान रहा हूँ यहाँ पे वेलोसिटी थी U, यहाँ पे मैं वेलोसिटी मान सकता हूँ V, यहाँ पे मेरा मास था m, यहाँ पे पहले मैं मास m था, ठीक है, ये मैं मान रहा हूँ थीटा, थीटा वेरी कहाँ से कहाँ तक कर रहेगा, जीरो टू अल्फा, तब हमें ये वाली कंडीशन मिलेगी, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा और ये वेलोसिटी यू हो गई, ठीक है ना, वी यू से वी आ रहा है जब थीटा हमारा जीरो टू अल्फा वेरी कर ले रहा है, ये आर हो गया, फिर वही कंडीशन, ये अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, थीटा मीन्स ये जो है ये है एम जी, सॉरी ये एम जी इधर लग रहा है, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, ये है एम जी साइन थीटा उधर, एम जी कॉस थीटा इधर, शायद पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हुआ है उसको आप देख लीजिएगा। देखिए तो ये हो गया यहाँ से एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, इतना समझ पा रहे हैं आप, या यहाँ से लिख सकता हूँ एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये भी लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिखा जा सकता है ये, और ये भी लिख सकते हैं हम कि
हम लोग पहली बात तो लिख रहे हैं टेंजेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ ये थीटा है तो ये सॉरी ये थीटा होगा, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, यहाँ एम जी लग रहा है। मीन्स अगर टेंजेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूँ तो एफ टी इक्वल्स टू एम ए टी। तो यहाँ से अगर मैं एफ टी लिखूँ तो एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा दिस इक्वल्स टू एम डी वी बाई डी टी होता है, क्योंकि मैं जो अभी इक्वेशन लिख रहा था वो रेडियल इक्वेशन लिख दे रहा था इस वाली डायरेक्शन में एम बी स्क्वायर आर। तो रेडियल इक्वेशन नहीं, टेंजेंशियल इक्वेशन, टेंजेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर एम एम कैंसिल कर दूँ तो यहाँ से मिल जाता मुझे जी साइन थीटा इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। इतना हो गया, इतना समझ पा रहे हैं आप, ठीक है ना। जी साइन थीटा इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ आर तो हमारा कॉन्स्टेंट है ना, तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ आर डी ओमेगा बाई डी टी, ये लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, जी साइन थीटा दिस इक्वल्स टू आर, यहाँ से डी ओमेगा बाई डी थीटा मैं लिख सकता हूँ, यहाँ डी थीटा बाई डी टी लिख सकता हूँ, कोई समस्या यहाँ से नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से मैं लिखूँगा जी साइन थीटा इक्वल्स टू आर ओमेगा, ओमेगा यहाँ से हो गया और डी ओमेगा बाई डी थीटा। अब देखो मुझे थीटा पे इंटीग्रेशन कर देना है, ओमेगा पे कर देना है। अब यहाँ से देखिए अगर मैं इंटीग्रेशन करना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, देखिए जी साइन थीटा डी थीटा, भाई थीटा कहाँ से कहाँ तक है, जीरो टू अल्फा, ठीक। ओमेगा पे अगर मैं करना चाहूँ तो कहाँ से कहाँ तक करूँगा, देखो आर बाहर हो गया, ओमेगा डी ओमेगा ये वी वन बाई आर से वी टू बाई आर तक है, या मैं लिख सकता हूँ यू बाई आर से वी बाई आर तक है, यू बाई आर से वी बाई आर तक है, ठीक है ना। इतना समझ में आया आपको, अल्फा हमारा जीरो था तो मेरी यू बाई आर ओमेगा था, जब अल्फा मेरा मीन जब थीटा मेरा अल्फा हो गया तब मेरी जो ओमेगा है वो वी बाई आर हो गई। इतना समझ पा रहे हैं फिर, ठीक। तो यहाँ से अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ तो जी साइन थीटा का इंटीग्रेशन जल्दी बोलो माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, और ये कहाँ से कहाँ तक, जीरो टू अल्फा, दिस इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर, मतलब वी वन स्क्वायर बाई आर बाई टू यहाँ कर सकता हूँ, वी वन स्क्वायर बाई आर आर स्क्वायर माइनस माइनस यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिखूँगा टू जी आर, क्योंकि आर से आर कैंसिल होगा, और यहाँ से हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा प्लस वन, दिस इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यहाँ से मैं देखूँ वन माइनस कॉस अल्फा, वन माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है, एच बाई आर, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें ये मिल गया, ये जो इक्वेशन हमने लिखी थी सीधे सीधे, ये टेंजेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन से आता है, ठीक है ना, और ये एनर्जी कंजर्वेशन से भी आ सकता है, इसको आप डेराइव करेंगे। ये मैंने शायद पिछले क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी, यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पे जब आता है पार्टिकल तो एम जी इधर लगेगा, ठीक है ना, और ये है हमारा थीटा, उस वाले क्वेश्चन में बता रहा हूँ जिसमें स्टेकन हो रहा है, मतलब कि सिकुड़ रहा है, ये थीटा है, तो यहाँ पे जो ये एंगल कितना बनेगा, ये भी थीटा बनेगा, तो इधर एम जी कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा, इसको देख लीजिएगा, उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ठीक है ना, वहाँ पे थीटा आप करेक्ट कर लीजिएगा, एम जी हमेशा नीचे की तरफ ही लगता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक। इतना समझ पा रहे हैं, इसमें मिस्टेक हो गई, मैं बता रहा हूँ बार बार, एम जी हमेशा नीचे ही लगता है, उधर किनारे टेंजेंट की डायरेक्शन में एम जी नहीं लगेगा, उसका कंपोनेंट लगेगा, ठीक है ना, ये थोड़ा मिसकंसेप्शन मेरे साथ था, वो सही हो गया, यहाँ आप देख लीजिएगा एम जी यहाँ पे होगा, ठीक है, फिर आप वहाँ से निकाल सकते हैं, मैंने उसको एज अ हिंट लीजिए और आप उसको कैलकुलेट करिए, ठीक। और जो जो ऐप से जुड़े हुए हैं वो कमेंट में पूछ भी, वो ग्रुप में पूछ सकते हैं कि कैसे क्या आंसर आएगा, ठीक है ना। और जो नहीं है, अगर यूट्यूब पे वीडियो जा रहा है तो आप लोग कमेंट में भी उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना, डिस्कस कर सकते हैं आपस में कि आपका कितना आंसर आया आपका, और आप कंपेयर कर सकते हैं, मिला सकते हैं, ठीक।
तो ये हमारा था वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में पहली चीज़ देखिए, दो ही चीज़ें मैंने यूज की हैं, तीन चीज़ें मान सकते हैं। पहली चीज़ मैंने क्या की, रेडियल इक्वेशन ऑफ मोशन, दूसरा टेंजेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन, और उसी का रिजल्ट था जो वो मैं बार बार यूज कर रहा था। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि इसी साल शायद, मतलब पिछले साल में TIFR में एक क्वेश्चन इस पे आया था, ठीक है ना, और पिछले कुछ सालों पहले शायद TIFR उसमें आया था, ITJEE में भी इस पे क्वेश्चन आए थे, इसलिए मैंने इसको बताना ज़रूरी समझा। इससे आपको सर्कुलर मोशन की पूरी फील भी आ गई होगी अच्छे से, ठीक, और आप इतना समझ भी गए होंगे कैसे यूज करना है, ठीक है। इसके और अच्छे अच्छे क्वेश्चन शायद क्लिपनर में हैं, तो आप उसको भी लगाएं, ठीक है ना। तो अगला लेक्चर हमारा कौन सा होगा, स्प्रिंग के ऊपर। स्प्रिंग को, अगर हम स्प्रिंग आ जाए तो उसको हम कैसे डील करेंगे, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्प्रिंग सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम जो होगा उसको हम कैसे डील करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए जितना पढ़ा है उतना पढ़िए, बुक पढ़िए, ढेर सारी मैकेनिक्स लाइए।